पैंथर पार्टी की ओर से देश भर में हो रहे दलित अत्याचार के खिलाफ नागपुर स्थित संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेश्राम ने सरकार पर एट्रोसिटी के मामले नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दरअसल दलितों पर हो रहे अत्याचारों की श्रेणी में अक्षय भालेराव की हत्या एक विशेष उदाहरण है, जहां मात्र बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, विदर्भ से मुंबई पढ़ने गई हीना मिश्राम पर अत्याचार कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं चंद्रपुर में मातंग समाज के समाज सेवक की हत्या, ये कुछ चुनिंदा मामले है। ऐसे कई मामले देश में चल रहे हैं जिसके खिलाफ हम बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी असंतोषजनक प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेश्राम ने दी, साथ ही साथ सरकार पर इन मामलों में नजरअंदाजगी बरतने का आरोप भी समय अशोक मेश्राम ने लगाया। दर्शकों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए नव संजीवन संविधान द्वारा सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन देखा जाए, देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भी दलितों पर अत्याचार खत्म नहीं हुए हैं, जिसके विरोध में आज संविधान चौक पर पीपल्स पैंथर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक मेश्राम, जिनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आखिर यह आंदोलन किया जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और क्या है आपकी मांगे। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले एक तीन चार बहुत बुरी घटनाएं घटी, उसमें की एक पहली घटना थी नांदेड़ जिले के अक्षय भालेराव को केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई इसलिए उनको मर्डर कर दिया गया। उसके बाद मुंबई में हीना मेश्राम, एक बच्ची का बलात्कार करके खून कर दिया गया, जो पढ़ने के लिए वहाँ गई थी, विदर्भ की बच्ची थी, उसका भी खून कर दिया गया। सेकंडली तुम्हारा चंद्रपुर में एक मातंग समाज के जो अच्छा समाज सेवी था बेचारा, रुग्ण सेवा देने में एक नंबर सामने रख देता था, उसका मर्डर हो गया। तुम्हारे नासिक जिले में एक आदिवासी बच्चियों को एक संस्था के संस्था चालक ने सारे पर्यटकों के सामने नचा दिया। तो ये सारे मामले होते हैं एट्रोसिटी के मामले, और एट्रोसिटी के मामले पर सरकार कितनी गंभीर है या सरकार कितनी गंभीर होनी चाहिए, ये सारे सवालों को लेकर हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन पूरे विदर्भ में हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सरकार, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गंभीर नहीं है? नहीं, राज्य सरकार पहले से ही सरकारें एट्रोसिटी के मुद्दे पर गंभीर नहीं रही, ये तो हमारा आरोप है। अगर वो गंभीर होती तो हम तो ये कहते कि महाराष्ट्र में जो भी सेंसिटिव गांव आपको लगते हैं, और ये पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का अपना कॉन्फिडेंशियल जो गुप्तहेर खाता होता है, वो करता क्या है, तो उनके सर्चिंग में आता है कि यहाँ पर ऐसी अनहोनी हो सकती है, तो अनहोनी हो सकती है इसकी आशंका अगर आपको आती है तो आप उसकी व्यवस्था क्या करते हो, आप पुलिस व्यवस्था करते हो, आप पुलिस ड्यूटियाँ लगाते हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये सारे चीज़ें चिंताजनक है, सोचने वाली है, और इसलिए हमने सरकार को इस मुद्दे, सरकार किसकी भी रहे, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, हम कांग्रेस सरकार को घेरते थे इस मुद्दे पर, बीजेपी सरकार को भी घेरेंगे। हमारा मुद्दा केवल इतना है कि जहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती है, होती है, वहाँ प्रिवेंशन वो होना नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है सरकार ने जवाब देना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, पीपल्स पैंथर पार्टी है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही आक्रामक हो चुकी है, देश में चल रहे हैं, राज्य में चल रहे हैं, इस दलित अत्याचार के विरोध में आज संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पीपल्स पैंथर की ओर से। तो आइए देखते हैं आगे किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है राज्य की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, साथ ही साथ समाज पर। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर।